बिहार के पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में इस बार कई उलटफेर देखने को मिला। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को यहां कोई पद नहीं मिला। सेंट्रल पैनल के अधिकांश पदों पर जेडीयू ने कब्जा जमा लिया। इससे जेडीयू नेताओं के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। इस जीत के बाद जेडीयू बेहद उत्साहित है और इस जीत को आने वाले समय में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस जीत से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी फूले नहीं समा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां लल्लन सिंह ने भी छात्रों को जीत की बधाई दी, साथ ही राजनीति से जुड़े कुछ खास टिप्स भी दे डाले। देखिए, यह जीत जो है छात्र संघ के चुनाव में जो जीत हुई है, यह जीत एक शुभ संकेत है और आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। देखिए, छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं, वो कल के देश के भविष्य। हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है। राजनीति का भी भविष्य आप हैं और देश के भी भविष्य आप हैं, दोनों के भविष्य आप हैं। सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त चल रहा था, लेकिन तभी अचानक जेडीयू कार्यालय में हंगामा मच गया, जिसने जश्न में भंग डाल दिया। आपको बता दें कि हंगामा तब मच गया जब जेडीयू के नए कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। छात्र संघ चुनाव में जीते उम्मीदवारों ने जेडीयू के बड़े पदाधिकारियों पर दूसरे संगठन का साथ देने और सपोर्ट नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके बाद छात्र नेताओं के बीच हाथापाई की भी नौबत आ गई। हम वस्तुस्थिति से आप सबको अवगत करा सके, और ये सिर्फ एक सीट पर नहीं था सर, लगभग सभी सीटों पर हमें डैमेज करने का, हमें नुकसान पहुंचाने का हर तरह का प्रयास किया जा रहा था सर। हर तरीके का हमें डिमोटिलाइज किया जा रहा था सर। हमारे ही पूर्व पदाधिकारी अन्य संगठन का साथ दे रहे थे सर। इन शब्दों के साथ अपनी बातों को, ये सर हमारी व्यथा थी सर, जिसे मैं रोक नहीं पाया। घूम रहे थे हम, बोलेंगे चारों व्यक्ति का घोषणा की जाए। कौन सिंह ने बोलते मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। बता दें कि इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी वहां मौजूद थे। लल्लन सिंह के सामने ही छात्रों ने जमकर बवाल काटा। सवाल अब यही है कि जब अभी से ही दरार आ गई है, अंदरूनी कला दिखने लगी है, तो अब आगे क्या कुछ होगा, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।